हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री, दैट इज नेशनल हिस्ट्री इन इंडिया। ये हमारा 6 पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉर्डर हो गया, बंद हो गया था। उसके बाद एक प्रकार का देश में जो नेशनलिज्म का सोच है धीरे धीरे बंद होता था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर ने, उन लोगों ने धीरे नहीं बैठे थे, उन लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन लोग क्या क्या कर रहे थे और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तरह हम लोग गए थे उसको आज देखने वाले हैं। लिखा गया नंबर 1 में सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल व्हिच सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1919। देखिए, इससे पहले जो आप चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले 1919 में जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसके चलते एक प्रकार का क्या हो रहा था ना, देश में इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन में प्रोविंशियल काउंसिल में एंट्री करने के लिए आप लोग को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और इलेक्शन में जीत के आना पड़ेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ लीडर चाह रहे थे उसको जीत के आएंगे। ऐसा हम लोग क्यों सोच रहे थे? They felt that it was important to oppose British policy with the council, यानी कि British policy को अगर हम लोग को oppose करना है तो हमें election में council में जाना ही पड़ेगा। जो रूल हमें undemocratic लगा, so उसमें हम क्या करेंगे, उसमें party oppose करेंगे। इनमें से कुछ लीडर थे जैसे कि सी आर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने इंडिया ने क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 में पार्टिसिपेशन करने के लिए उन्होंने क्या किए थे, स्वराज पार्टी बनाए हुए थे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, स्वराज पार्टी लिख सकते हैं कौन कौन लिए थे और क्यों बना था। लेकिन उन लोगों को अपोज करने के लिए इंडिया में कुछ लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। उन लोग आर्गू कर रहे थे, आर्गूमेंट कर रहे थे कि फुल इंडिपेंडेंट चाहिए। आप लोग को बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी का पिताजी है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी चाह रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से जो है हम स्वराज पार्टी बना रहे हैं, स्वराज पार्टी के माध्यम से क्या बनाएंगे, हम लोग काउंसिल में एंट्री करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन जहाँ उनके बेटा के बारे में आ जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आ जाए, तो उन लोगों ने उसको अपोज कर रहे थे। ये तो चल रहा था। उसी समय में तो बड़ा इंसिडेंट चल रहा था जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को, नेशनलिज्म का मूवमेंट्स को एक प्रकार का सेट देता है। ये दो कौन सा है? नंबर 1 जैसे मैं लिखा हूँ, 2 फैक्टर सेट इंडियन पॉलिटिक्स। नंबर 1 में द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और नंबर 2 है सीमंस कमीशन। सभी पैकेट करके हम लोग पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है? एक्चुअली 1930s से पहले 1926 के अगर मैं बात करूं तो उसमें 20 तक 26 तक धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्राइस वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो लोगों को धीरे धीरे 1930 तक देखा गया एक प्रकार का कोलैप्स हो गया, ये नष्ट हो गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो बेचना मुश्किल हो गया। तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स है एक्सपोर्ट होना भी बंद कर दिया, कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। सिर्फ उतना नहीं रुका, जो लोगों ने देखे कि हम लोग पिजेंट्स ने खास करके, थर्ड पॉइंट यही बता रहा है कि अगर हम लोग पिजेंट्स लोग जो है हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचेंगे नहीं तो गवर्नमेंट को हम लोग को किस प्रकार का जो रेवेन्यू कहाँ से ला कर देंगे, हम तो नहीं दे सकते। तो अप टू 1930 तक एक प्रकार का कन्वर्ट क्रिएट हो गया था, किसके माध्यम से, जो किसके कारण, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण। आप लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसका कारण भी इसमें प्रभाव डाला था। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बता रहे थे सीमंस कमीशन के बारे में, एक्चुअली सार जोन सेवन कमीशन, नंबर 1 पॉइंट को देखते हैं सीमंस कमीशन क्या है। सार जोन सेवन कमीशन, सार जोन सेवन को 1928 में इंडिया भेजा जाता है। क्या के लिए ना, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है उसको सजेस्ट कर, उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे और उसको सजेस्ट करके वो प्रॉब्लम में जो आ रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए सार जॉन साइमन कमीशन को भेजा गया था। कहाँ? इंडिया भेजा गया था। आप लोगों को बता दूँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो अच्छा बात है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इंडिया कोई लोगों को नहीं रखा गया था, थर्ड पॉइंट में ही लिखा गया था कि लिखा गया है इंडिया में कोई भी लोग उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किए थे, तो लोगों को गुस्सा आएगा ही। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और इंडिया का कोई लोग उसमें नहीं है तो गुस्सा आया है।
तो इसी के चलते 1928 में लाहौर में सभी लोग एकत्रित तो हो जाते हैं और काला झंडा के माध्यम से गो बैक साइमंस पढ़ाया नारा लगाते हैं। तो उसका ओवरकम कैसे करके आते हैं कौन जो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स तो बहुत चला थे, लॉर्ड इरविन को अनाउंस कर देते हैं अक्टूबर में 1926 में, एक भेद कॉन्सेप्ट ऑफर्स इंडिया को दे दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, कौन सा डोमिनियम स्टेटस। आप लोग बोलोगे सर डोमिनियम स्टेटस क्या है ना, उन लोगों ने बोले इंडिया को कि आप लोग का इलेक्शन होगा, आप लोग जो भी पोजिशन में आना चाहिए आ सकते हैं, लेकिन एक चीज तो है आपको ब्रिटिश क्राउन के बाद मानना पड़ेगा, ब्रिटिश काउन के बाद मानना पड़ेगा, बाकी आपका पोजीशन आप लोग ले सकते हैं। तो एक प्रकार का प्रलोभन दिखा रहे थे। दूसरा कारण है कि आपका फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आपको आना पड़ेगा, कहाँ इंग्लैंड आना पड़ेगा, क्या के लिए आपको आना पड़ेगा ना, जो इंग्लैंड में आप लोग का राउंड टेबल मीटिंग होता है उस गोल्ड टेबल बैठक के नाम से जानते हैं, उसमें आप लोग को पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। इसमें ऐसे क्या हो गया, लिबरल्स लोग आप लोग बता दो, जैसे कि अभी लिबरल्स बता रहा था मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास, इन लोगों ने बोले ठीक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है तो हम मान जाते हैं। लेकिन कुछ लिबरल्स रेडिकल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि उनके पुत्र आई मीन टू से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे, क्योंकि उन लोग चाह रहे थे क्या, फुल इंडिपेंडेंट चाह रहे थे, पूर्ण स्वराज चाह रहे थे। उसके चलते उन लोग का डिमांड इस तरह बढ़ता रहा कि उन लोग ज्यादा पॉपुलर बनते गए हैं, किसके मॉडरेट से ज्यादा पॉपुलर बनते गए सुभाष चंद्र बोस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग। इसी बीच में दिसंबर के महीना 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये मैं बॉक्स के अंदर इसी नाम से रखा हूँ, आप लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में बताया था जो 1919 सितंबर में कोलकाता सेशन, दिसंबर में नागपुर सेशन और 1929 दिसंबर में कांग्रेस लाहौर सेशन के नाम पे जाना जाएगा। इस लाहौर सेशन में आप लोगों को मैथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और उसका इंपोर्टेंट क्या है मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। जो 19 दिसंबर में वो बन जाते हैं और उसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिमांड करता है कौन सा है, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंट में, और उन लोगों भी एक प्रकार का ओथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं ना, नेक्स्ट आने वाला 26 जनवरी 1930 हमारा देश का इंडिपेंडेंट डे हम डिक्लेयर करेंगे, यानी 26 जनवरी 1930 जो है वुड बी द इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर करते हैं। ये आप लोग पहले से पढ़े हैं, इसी नाम से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं द शॉर्ट मार्च एंड द CDMS, यानी आप लोग का सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, तब तक देखते रहिए लेसन डाइजेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।